गुना के आरोन में शिकारियों से हुई मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस टीम में शामिल ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। घटना शनिवार तड़के 3 से 4 बजे के बीच की बताई जा रही है। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में शिकारी नौशाद मेवाती मारा गया। एसआई राजकुमार जाटव के हाथ में गोली लगने के बाद उन्होंने कई राउंड फायर किए। घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। घटनास्थल पर देरी से पहुंचने पर ग्वालियर के आईजी अनिल शर्मा को हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 3 पुलिसकर्मियों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपयों का मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपराधियों की पहचान हो गई है, पुलिस फोर्स को भेजा गया है, जवाबी एक्शन के लिए पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। वहीं एसपी राजीव कुमार मिश्रा का कहना है कि सगा बड़खेड़ा की तरफ से बदमाशों के जाने की सूचना मिली थी, जिनकी घेराबंदी के लिए 3-4 पुलिस की टीम लगाई गई थी। शहरों के जंगल में 4 से 5 बाइक से बदमाश जाते हुए दिखे। जहां पुलिस ने घेराबंदी की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में इंस्पेक्टर राजकुमार जाटव, आरक्षक नीरज भार्गव और आरक्षक संतराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शिकारियों के पास से 5 हिरण और 1 मोर के अवशेष जब्त किए गए हैं। पुलिस ने धरपकड़ में 10 से अधिक संदिग्धों को उठाया है। वहीं बजरंगगढ़ थाने से पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लगभग 10 थानों के पुलिस और 100 के लगभग पुलिसकर्मी धरपकड़ में लगे हैं। कलेक्टर ने कहा है कि पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी ही, प्रशासन भी उनके अवैध निर्माण और कार्यों की जानकारी खंगाल रही है। अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया जाएगा। शिकारी लोग हैं, शिकार करके जा रहे थे और 3-4 हिरण हैं, मोर हैं, कुछ कटा हुआ सिर भी है, तो निश्चित रूप से शिकारी हैं। उनके द्वारा एक कृत्य किया गया है, इसलिए भी पकड़ किया जा रहा है। पकड़ पत्र करके रचना की जाएगी और शीघ्र ही आपको प्रसंग है। ये बदमाश जो भी हैं, कोई शिकारी कहता है, कोई कुछ और कह रहा है, जो भी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई इन पर होगी, नजीर बनेगी, ऐसी कार्रवाई हम करेंगे। हमारे पुलिस के मित्रों ने शिकारियों का मुकाबला करते हुए शहादत दी है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच पूरी चल रही है, एक शव भी बरामद हुआ है पास के गांव में, गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन घटना की पूरी जांच हो रही है, पुलिस फोर्स है, भेजा गया है, अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, कार्रवाई उदाहरण बनेगी। इस घटना में शहादत देने वाले हमारे 3 पुलिस के साथी भाई राजकुमार जाटव, नीरज भार्गव और सिपाही संतराम की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। इन्होंने अपनी कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को न्योछावर किया है। वो शिकारियों को रोकने खड़े थे, ये कल्पना नहीं थी कि अचानक ऐसे गोली चलेगी, लेकिन उन्हें शहादत दी है और उन्हें भी गोली चलाई, और इसलिए उनकी शहादत का मैं सम्मान करता हूँ। शहीद का दर्जा देके 1-1 करोड़ रुपये की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा, पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। घटना स्थल पर, घटना के बाद पहुंचने में देरी करने पर मैंने ग्वालियर के आईजी को तत्काल हटाने का फैसला किया है।